हेलो गाइस, कैसे हो आप सर। मैं स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में झारखंड जेपीएससी मेडिकल ऑफिसर के गाइस ऑनलाइन फॉर्म के बारे में दोस्तों बात करेंगे जो आपके अभी हाल ही में आए हुए हैं। आपको फ्रेंड्स ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है और इसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों, हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। तो मैं आपके ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फिर सबसे पहले अपना आपको गूगल ऑन कर लेना है इसके बारे में जानकारी पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं गूगल में भर लेता हूँ सरकारी रिजल्ट्स, ठीक है। इतना फिलअप करने बाद दोस्तों आपको सर्च पे क्लिक कर लेना। तो मैं सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स मैंने सर्च पे क्लिक कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सरकारी रिजल्ट डॉट इन्फो। तो गाइस आपको जो सेकंड साइड आप देख रहे हो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सेकंड लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ। फ्रेंड्स आप जो साइट देख रहे हैं कि ये ऑफिशियल साइट है, आप इस साइट पे आके दोस्तों गवर्नमेंट जॉब के जो फॉर्म निकलते हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जॉब्स पे जेपीएससी मेडिकल ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म। दोस्तों जो आपके फॉर्म है अभी आए हुए हैं बिल्कुल करंट में, आज ही आए हैं थोड़ी देर पहले। तो मैं ये न्यूज आपको सबसे पहले दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यूज होती है, कोई भी फॉर्म होते हैं, वो सबसे पहले उनकी जानकारी दे देता हूँ। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पोस्ट झारखंड जेपीएससी मेडिकल ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2020, ओके। इसमें दोस्तों अगर आपकी मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूँ, यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू एस के लिए 600 रुपीज फीस मांगी गई है और एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए 150 फीस भी मांगी गई है, ठीक है। इसमें आपकी इंपोर्टेंट डेट्स की बात करूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट आपके 9 अप्रैल से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे फिलअप होने, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 9 अप्रैल, और अगर आपकी मैं लास्ट डेट की बात करूँ इसमें 8 मई आपकी लास्ट डेट है, ओके। और फीस पेमेंट की लास्ट डेट 11 मई है आपकी, आराम से देख लीजिएगा, ओके। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपकी जो यहाँ पे अगर आपकी बात करूँ मैं इसकी एज लिमिट के बारे में, आपकी जो मिनिमम एज है वो 23 ईयर्स होनी चाहिए, आपकी जो मैक्सिमम है फ्रेंड्स वो 35 साल आपकी इसमें एज होनी चाहिए। और एस सी एस टी को इसमें अलग से छूट दी गई है, आप आराम से नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा पूरी तरह से, ठीक है। इसमें अगर आपकी मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, आपके पास दोस्तों यहाँ पे देखिए कैंडिडेट है एमबीबीएस डिग्री फॉर मेडिकल कॉलेज रिकॉर्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आपके पास दोस्तों एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, आप तभी ये फॉर्म फिलअप कर पाओगे अगर आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होगी। तो ध्यान दीजिएगा एमबीबीएस की डिग्री आपके पास होनी अनिवार्य है तो ही आप ये फॉर्म फिलअप कर पाओगे। अगर आप किसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ, इसमें टोटल वैकेंसी 380 है, 318, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसी चेक कर लीजिएगा। मेडिकल ऑफिसर की आपकी जो पोस्ट है इसमें जनरल की 161 है, ओबीसी की 32 है, ईडब्ल्यूएस की 37 है, बीसी की 10 वैकेंसी है, एससी की 16 है और एसटी की 124 है गाइस। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आपकी 318 हो जाती है, 380 टोटल वैकेंसीज, ओके। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट ऑन 9/4/2020। दोस्तों जब के फॉर्म है 9 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, सुबह 10 बजे आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। रहता है अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है तो ही इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जवाब पक्का दूंगा। आप बेझिझक होकर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जवाब पक्का दूंगा। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आज के वीडियो दोस्तों इतना ही था। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन जरूर ऑन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।